बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट एक एक क्वेश्चंस को स्टेप वाइज पढ़िए, स्टेप वाइज जानिए उसको। तो चलिए इसको चालू करते हैं, यानी जो आज के क्वेश्चंस है वो 10th क्लास के 13.1 का 5 नंबर क्वेश्चंस है। तो चलिए देखिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यानी जो इसका व्यास है वो है, इसका जो व्यास है वो है इसके किनारे का। मान लीजिए इसकी लेंथ L है, इसको किसी को L मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो व्यास है यानी D जो है वो क्या मान लेंगे हम, L मान लेंगे, ठीक है। यानी L इसका व्यास हो गया। तो यहाँ पे समझिए, बोल रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये कैसे ज्ञात होगा, आगे जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, घनाकार ब्लॉक की किनारा बराबर L मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यानी जो घनाकार ब्लॉक का किनारा जो है L मीटर है, तो अर्धगोले का व्यास जो है वो L मीटर होगा ही होगा। तो अर्ध गोला की व्यास इक्वल टू L मीटर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर इसकी त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे, अर्धगोला में हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, तो अर्धगोला की त्रिज्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे। तो देखिए R इक्वल टू होता है D/2, यानी यहाँ पे हम डाल सकते हैं अर्धगोला की त्रिज्या इक्वल टू L/2। चलिए ये चीज़ यहाँ तक तो आ गया, आपने जो कंडीशन आपको निकालना था वो कंडीशंस आ गया, जिस कंडीशन पे आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है उस कंडीशन से, उस क्वेश्चन से आप लोग जो दिया हुआ है उसको निकाल लिए, यानी अर्धगोले का त्रिज्या और घनाकार ब्लॉक का किनारा आप उसको लेट किए हैं, यानी माने हैं L। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू करेंगे घनकार कार ब्लॉक की संपूर्ण क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला की पृष्ठीय, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस। अब देखिए यहाँ से अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अगर यहाँ पे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल निकाल दे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तब यहाँ पे जो जो ठोस बचेगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे अर्धगोले की आधार का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट अब बताइए आप लोग कि घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र जो होता है वो होता है 6L² प्लस 2πr² माइनस πr², यानी अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल बराबर πr². तो स्टूडेंट अगर बताइए 2πr² में से अगर πr² घटा दें तो कितना होगा, 2 को πr² में से 1πr² निकल गया तो πr² बच जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6L² प्लस πr². अब स्टूडेंट देखिए r² का मतलब हो गया, यहाँ पे L/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 6L² प्लस πL/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट
सिक्स एल का स्क्वायर जब आप लोग कीजिएगा तो सिक्स एल का स्क्वायर प्लस पाई एल का स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, चौबीस एल का स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई फोर। तो स्टैंड एल स्क्वायर बाई फोर अलग कर दीजिए तो एल स्क्वायर बाई फोर इंटू ये चौबीस प्लस पाई हो जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस बनेगा, ऐसे ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लोग वन बाई फोर एल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू में चौबीस प्लस पाई लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर आंसर में। तो गाइस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को पढ़िए, उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, उसके लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप जो कंडीशंस दिया हुआ उसको लिखिए, वहाँ पर ड्रॉ कीजिए, इमेजेस के ड्रॉ कीजिए और उस इमेजेस से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को 10th क्लासेज 11th क्लासेज एंड 12th क्लासेज के मैथमेटिक्स के टिप्स एंड ट्रिक्स यानी सॉल्यूशंस मिलते रहे। तो जय हिंद।